श्री राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज अभी जो है दिन के 1 बज रहा है और हम जा रहे हैं गांव में खाना खाने। गांव में श्राद्ध है आज मीना के घर में, तो वहां पे हमें बुलाया है, तो हम वहां पे जा रहे हैं। और बारिश बारिश अंधाधुंध बारिश हो रही है। यहाँ से दिखा देती हूँ, अभी चलते हुए दिखाऊंगी। सुबह से जो बारिश लगी है पशुओं के लिए, कल कल आया हुआ घास है, बाकी घास का भी कोई नामो निशानी है, ला भी नहीं सकते। तो चलिए अभी मैं डब्बे पैक कर रही हूँ, खाने को भी लेके आएंगे घर में। हाँ हाँ, अच्छा। और मैं यहाँ को डब्बे डब्बा ये है, और बारिश में दिखाऊं आपको ना, अंधाधुंध बारिश लगी है भाई। और मेरे पास ना छत्ती नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना है कि मेरे पास छत्ती बनाई दे तेरा के जा। और ये देखो यहाँ से मेरी देवरानी भी जा रही है। आ, ना ये देखो बहुत कंडीशन खराब है, मतलब बारिश है और पेड़ों के ऊपर। आपको बड़ी सुहावनी लग रही होगी ना बारिश, लेकिन हमें पता है जब पार्क औषण में जाना पड़ता है ना, तो हमारे ऊपर क्या बीतती है वो हमें ही पता है। निक पापा चले गए पानी पिलाने, वो आज घर पे। कंटिन्यू बारिश लगी है सुबह से, एक भी सेकंड को आराम नहीं हुआ है, और बारीक बारिश लगी है जो कि बहुत खतरनाक होती है। और इसके साथ ही मैं वैसे बोलूँ जैसे समाचार वाले नहीं बोलते, और इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बारीक बारिश होती है ना, इससे बहुत नुकसान होता है। और अभी देखो बरसात चली गई है, लेकिन फिर भी बारिश रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। हाँ, और मैं इससे थैली मांग रही हूँ कि मेरे को थैली दे दे, और छत्ती तो मेरे पास है नहीं, पर मैं जाऊँगी कैसे? मीना का घर तो भाई बहुत दूर है अभी यहाँ से। और देखो हवा भी साथ में लगी और बारिश भी लगी है, ठंडी ठंडी हवा ज चुल दे वो चुल दे चीला दे डालू हो जीना कांगड़े दा हो जीना कांगड़े दा। और मैं देखो पैरों में चप्पल डाल के जा रही हूँ, चप्पल भी हन्नी वाली है, बड़े वाली। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं जूते पहन के आ गई, फिर से आ गई थी मैं ऊपर जूते पहनने, क्योंकि रास्ते बहुत स्लिपरी है ना। तो हम इस रूप में जा रहे हैं खाना खाने। उड़ गए बोल। और ये देखो सभी लोग छत्ते लेके जा रहे हैं, ये देखो। ये देखो बारिश में हम लोग खाना खाने जाते हुए। चलो चलो प्रकाश, और देखो सभी लोग बारिश छत्ता लेके जा रहे हैं। तेरे अम्मा सच्ची पाप पकड़े बे, ठीक है बे। और केरे के झुरमुट में बड़बर केर लगी रहती है ना, और मिर्ची। ये वाई गुड़िया खाई ने आहा दीदी। तो ये देखो मैं बड़ी दीदी को बुला रही थी, पर बड़ी दीदी शायद चली गई है। ये देखो राजमा, पर बारिश के जो है आज ना बहुत बुरे हालात हैं, शायद काफी बार बोल चुकी हूँ, और बिल्कुल भी थम रही है। और देखो भीग गई सारी। चलिए अभी यहाँ से मीना के घर की तरफ कर रहे हम क्रॉस। सबसे पहले नींबू के दर्शन।
परवल। मीना आज इसने पिंक सूट पहना और बाकी लोग खा के चले गए। अरे इसकी ससुर है और ये आगे जी चावल मीना के ढक्कना कर रहा हूँ फिर तीड़ी पाए पिता आलू राजमा ठंडी जाए गर्म गर्म मारे ठंडी बुरी खरी है ना देखो पैर सुनो इतने बरखा जाए आएगी जी कड़ी बाहर बहुत बारिश है इसलिए अंदर बैठना पड़ा खाना खाने। हाँ भाई देख ये देखो जी कुबड़े पा रहे मैं बस 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 पता क्या हुआ एक तो थोड़ी देर बस रायता पाई देते जी आया पानी वे तेरे खातर ये देखिए ऐसे देते हैं प्रिय ये इस तरह से खाना देते हैं। ये मीना के ससुर है ये ही थी सब थोड़े बोल रहे हैं दाढ़ी भी ऐसी है मेरे बुजुर्ग आदमी ऐसे ही होते हैं और ये मीना के ससुर है इनकी इनकी अम्मा का श्राद्ध था आज ऐसा करते हैं हमारे जो बड़ा श्राद्ध होता है ना किसी का ऐसे जिनका माँ अम्मा का जो जिनकी जो सामने हुई होती है जिनकी जिनकी अम्मा तो हर साल करते हैं ये बड़ा श्राद्ध ऐसे गाँव को सारे गाँव को इस तरह से बहुत अच्छी सब्जियाँ बनी थी। चल चलिए ना तुलसी का बूटा एड वहां की रख दो जगह के बीच पता क्या करना मीना करना था मीना उबे ताते इस टाइम एक पत्रा जा नहीं करता छोटा जा है ना पत्रे का टुकड़ो अरे वानी जो ते बरखा नहीं ते बरखा नहीं बढ़ देने अच्छा ये तेरा है और मक्की ना ये छीलने लग गए थे पर क्या करना बारिश बहुत ज्यादा है और पता नहीं है क्या होगा बचाई भी चाहिए थी बरखा बरखा देखिए बरखा पूरे जोर पर ना लग रही ले आने लिया सा पाओ गया पूरे जा उबी दी माड़ काम के तो पा लेने की है भुगते ने देख तो ई भी किया बोला पे थोड़ थोड़ पायो सच्ची पैग बन जाए ना के रोटी ते ठीक है आज तू खा लो पुत्र हां चाची हम खाए रहो मुझे खाना भी तो बाय चले जा से धन्यवाद खाना खा के चलो भाई चलो सारे बंदे पर मीना रे गोइन रे मजे है ना मेरे बेड़े हमने देखे और ये भी किसके ना ढेर सारी मिर्च लगी हुई है ये बहुत पहले लगा थी इन्होंने और वीडियो बनाए कि भाई रास्ते में चले और ये बारिश पता नहीं क्या करेगी सीजा तो करो और अब वापसी हो रही है हमारी सभी लोग हैं पर अंदर हैं और अभी किसी को नहीं हम दिखा सकते बारिश बहुत ज्यादा है। लो जी चलो अच्छा मेरे चावल तांगे रेखा चलते चलो जी क्या करो ये मरिए और ये देखो
छतरी बनी हुई है, मेरी छतरी के नीचे आ जा। और आज रिशु के पास वो छतरी है जो एक दिन इसने मेरे को दी थी, टूटी हुई सी छतरी। पर ठीक है भाई, इससे ठीक है, छतरी लानी पड़ेगी अब सच्ची में, छतरी का छतरी की बहुत ज़रूरत है। कहीं जाना तो हम सोच रहे हैं कि बारिश चली गई है, अब है ना थम गई, लेकिन ये कहाँ थम रही है। ठीक है, अब कैमरे के ऊपर भी पानी पड़ रहा है और मेरी जो छतरी उड़ रही है, उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ उड़ गई वो उड़ गई उड़ गई। तो चलो, तो बस ऐसा ही है। और बहुत अच्छी सब्जियां बनी थी। चलो बब्बू ना ना आगे चलो, वीडियो बना रहे छोटू। अब ये बब्बू है, बब्बू मतलब जेठानी, जेठानी को बोलते हमारे बब्बू। राजमा की फसल इस बार हम यहाँ से दीदी से बहुत सारे राजमा लेके जाएंगे, पक भी गए हैं, देखो राजमा भी पक चुके हैं। ये देखो यहाँ पे कोई उपले लग गया था बनाने और वो गिर चुके हैं सारे। और ये ककड़ी की बेल है और हरे हरे राजमा लटक रहे हैं ऊपर से। हम लटके आने जब हाँ उन्दे जो जो वाह खुला था ना गेट। जो जो आ गया निचले आंगन को। चलो अभी ना घर जाके बनाऊंगी मैं, फोन ना सारा भीग गया है। अच्छा है, केले का पौधा है यहाँ पर, इसका बना लेती हूँ। बहुत सारे केले लगे इसमें, अभी लगाया था पीछे, है ना वो दो चार साल पहले, है ना। ये देखो चलो परी 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 देखा खोड़ चक्की ले जा, हाथ खाली है ये जित आगे रिसु है के भी भांडे मांस आई। तो चलिए ये देखो सन्नी का ढाबा खुल चुका है और सन्नी लग गया खाना खाने। तो ये सब्जी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, पहले भी दिखा दी है मैंने, ये देखो। चलो सन्नी खा लो, अब बाय बाय, खा लेते हम खाना। तो अभी बच चुके हैं ढाई और सबने खाना खा लिया जो नहीं गए थे, क्योंकि यानी कि पापा पार गए थे काम पे, वो बिजली वाला लगा है आजकल। और बच्चे घर में थे क्योंकि बारिश में कैसे जाना था, फिर मैं टिफिन ले आई थी घर में, सब लेके आ गए थे घर में और इन्होंने खा लिया सबने खाना घर में। और एक बात, आज ना रोपड़ से हरविंदर दीदी उनकी बेटी है ज्योति, उनकी बेटी हमारी बेटी, तो उसका है आज जन्मदिन और वो है कनाडा में चली गई है। तो उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी उसके सारे सपने पूरे करें और जो वो जिंदगी में बनना चाहती हैं वो ज़रूर बने। और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेस आप लोग भी दीजिएगा। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर दो क्या सोच रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइबर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमेशा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जय माता दी।